i am dr pashu from SRMCM. today i am discussing the our lecture 15 uh, this is a watt meter uh, we have discussed a uh, lot of instrument in different type of moving coil and other instruments digital analog and bridges now we discuss the uh, in uh, my this lecture this is a watt meter ये नाम सुना भी हुआ है थोड़ा डोमेस्टिक पर्पज़ में भी यूज़ होता है जैसे क्वालिटी मीटर है अपने ऐसे कहीं नहीं मेज़र करेंगे वी आर यूजिंग जहाँ पे पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है बट वार्ड मीटर यू यू हैव सीन इट तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा या सुना भी होगा इन कम्पेरिजन टू क्वालिटी मीटर यू हैव अवेयर विद द वार्ड मीटर तो हम यहाँ पर वार्ड मीटर क्या होता है कितने तरह के होते हैं क्या उसका बेसिक है क्यों यूज़ करते हैं ये सारा हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो पहले वार्ड मीटर जाने से पहले हम क्यों मेज़र करते हैं क्या क्या मेज़र करते हैं तो वो हम करेंगे तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या 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 हमारी पावर होती है वॉड मीटर एक्चुअल में पावर मेजर करता है सर्किट का तो कैसे मेजर करता है बेसिक क्या है क्या उसके यूनिट्स होती हैं ये जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे फिर दो तरह के होते हैं डी क्योंकि सप्लाई हमारी दो तरह की है डी और ए डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट तो उसी हिसाब से हम डायरेक्ट करंट ब्रॉड मीटर और अल्टरनेटिंग करंट ब्रॉड मीटर को डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली अलग अलग पूरा कंस्ट्रक्शन एडवांटेज डिसएडवान्टेज एवरीथिंग तो फर्स्ट वी डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम क्यों वाट पीटर की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें देखिए हम जब किसी सर्किट का हमें पावर मेजरमेंट करना है ये मैंने क्या कहा था कि दोनों डोमेस्टिक भी है और इंडस्ट्रियल में भी यूज़ होता है स्मॉल स्केल तो वी कैन यूज़ द पावर आप अमीटर वोल्ट मीटर से भी पावर मेजरमेंट कर सकते हैं आपने अलग से मीटर से करंट मेजरमेंट कर ली और वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर कर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वो आपकी फीजिकल टू वे आई पावर का यही फार्मूला लेकिन जब लार्ज स्केल पर मेजरमेंट करना होता है हैवी ड्यूटी मेजरमेंट करना होता है वैल्यू ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हमें डायरेक्ट ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जो हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर लें वो हमारा क्या उसमें एरर भी ज़्यादा है और दो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके फिर हम पावर निकालते हैं तो वॉड मीटर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो डायरेक्ट पावर मेजर करता है तो जैसा आप देख रहे हैं कि वी आर यूजिंग फॉर दोनों जगह यूज़ होता है डोमेस्टिक के लिए घरों में जो हमारा वो पावर सप्लाई आती है उसके लिए भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा वी आर यूजिंग द कॉमर्शियल के लिए भी यूज़ करता है तो जो हमारा एस्टिमेशन होता है इंस्ट्रूमेंट का जो पीक पावर डिमांड जो हमारी होती है इंस्टॉलेशन और मैंडेट्री फॉर डिज़ाइन ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई नेटवर्क कहीं पे हम पावर सब स्पेशली इन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट जब हम पूरा आपका सेंटर बनाते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होता है सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहाँ पर भी हमारे पावर वाट मीटर लगे होते होते, होते तो मतलब ये रिक्वायरमेंट है डोमेस्टिक के अलावा हमारी इंडस्ट्रियल बेस पर भी आपने कोई इंडस्ट्री लगाई है वहाँ पर भी हमें पावर मीटर की रिक्वायरमेंट होती है अब करते क्या है पावर होता क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है इसके यूनिट हमारी जो होती है पावर मेजर करते हैं वो वॉट होती है वॉट इज इक्वल टू द वन जूल पर सेकेंड ये हमारा दूसरा जो कॉमन हमारा ट्रेडिशनल मेजर है हॉर्स एच में क्योंकि हायर रेंज, रेंज में मेजर करते हैं तो कहते हैं हॉर्स पावर भी कंपेयरिंग टू द पावर ऑफ अ हॉर्स पावर वरना मैकेनिकल हॉर्स पावर इक्वल टू द सेवन सेवन फोटी फाइव पॉइंट सेवन वॉट ये हमारी वैल्यू फिक्स है तो वॉट मीटर जो ये जो पावर है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे ही हम कहते हैं वाट मीटर तो ये हमारा डिफिनीशन भी है इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पावर गिवन टू अ डेवलप एंड इलेक्ट्रिक सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद करने वाला है क्योंकि तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस करेंगे उसमें और उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है तो आई एम अगेन रिपीटिंग मेजर द इलेक्ट्रिक पावर गिवन टू द डेवलप बाइन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हमें पावर मेजरमेंट करना है देन वी यूज़ द वॉट मीटर जो हमें इसमें अगर आगे कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे जनरली इसमें लिख दिया दो कॉयल्स होती है एक हमारी फेक्स होती है एक मूविंग कॉल उसी के बेस पर पूरा हमारा मेजरमेंट होता है सिंबल आप देख रहे हैं ये हमारा वॉट मीटर का सिंबल है वी आर यूजिंग दिस इज द सिंबोलिक मैंशन द टू कोयल्स तो दिस इज अ करेंट कॉयल और वोल्टेज कोयल ये हमारा सिंपल वाट मीटर है ये हमारा डिजिटल वाट मीटर है वी कैन मेजर डायरेक्ट पावर ऑफ द सर्किट प्लीज़ ध्यान दीजिएगा जो हम वर्ड बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट हम पावर मेजर करते हैं विद द वॉटमीटर इलेक्ट्रिकल सर्किट की ठीक है तो जैसे बोला कि दो तरह के होते हैं हमारा डी सी वाट मीटर है ए सी वाट मीटर है फर्स्ट वी डिस्कस द डी सी वाट मीटर जैसे हम एक दो हमारे दो तरीके अगर हम टाइप्स के वाट मीटर की बात करेंगे एक हमारा होता है डायनोमीटर एक होता है इंडक्शन मीटर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके पहले आपको बता दे रहे हैं कि जो डायनोमीटर हमारा होता है वो ए सी और डी सी दोनों सप्लाई को मेजर करता है लेकिन जो इंडक्शन टाइप है वो सिर्फ ए को मेजर करता है आगे डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हम डी सी मीटर की बात कर रहे हैं और साथ में हम डायनोमीटर भी लिख रहे हैं तो क्योंकि हमारा डायनोमीटर जो वाड मीटर है वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा डी सप्लाई के लिए भी यूज़ होता है और इससे इसलिए हम स्पेशली कंसिड्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे जो आपको डिस्कस कर रहे हैं वो हम डीसी सप्लाई के लिए कर रहे हैं बट यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ डायनोमीटर एसी सप्लाई का भी यूज़ कर सकते हैं वाड मीटर पर तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इसके लिए दो कंडीशन है कि दो फिक्स क्वाइल होनी चाहिए ये और ये हमारी जो है ये हमारी क्या है फिक्स क्वाइल है सीरीज में होनी चाहिए और पोजिशन uh, कोएक्सली होनी चाहिए विद द स्पेस बिटवीन दैम कोएक्सल है और स्पेस होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होनी चाहिए ये हमारी कंडीशन है दो पॉइंट हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हमारे एक ये है कि टू फिक्स क्वायल कनेक्टेड इन सीरीज एंड पोजिशन कोएक्सली विद स्पेस बिटवीन देम दोनों में स्पेस होना चाहिए सेकंड कंडीशन है अ मूविंग क्वाइल प्लेस बिटवीन द फिक्स कोयल ये भी नहीं कहीं पे भी हम लगा दें ये भाई आप ये कह सकते हैं हम यहाँ पे लगा सकते हैं हम यहाँ पे लगा इसी के साथ लगा सकते हैं नो दिस इज़ द टू मेन कंडीशन ये हम जब डायनोमीटर टाइप का बनाते हैं वाटमीटर तो हमारी ये दो कंडीशन हैं कि हमारे पास दो फिक्स कोयल होने चाहिए और एक मूविंग कोयल दोनों के और दोनों फिक्स कोयल के बीच में वो रैप नहीं कर सकती ये हमारी लिमिटेशन और ये हमारी कंडीशन भी हैं जब हम डायनोमीटर को बनाते हैं अभी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे तो इट कैन बी शोन दैट द डॉर द टॉर्क प्रोड्यूस इन द डन मेटर इज प्रोफोशनल द प्रोडक्ट ऑफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू द फिक्स कॉइल क्योंकि हमारा जो फिक्स कॉइल होती है जब इसके हम उस पर डिस्कस करेंगे एक एक पैरामीटर्स पे तो जो हमारा क्या होता है ये लोड से कनेक्टेड होती है सीरीज में तो जो हमारी जो करंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा प्रोफेशनल होता हम है इसलिए हम इसे कहते हैं करंट कॉयल भी कहते हैं सेम टाइम नो नाज दिस फिक्स कॉयल इज सी करंट करेंट और क्योंकि जो हमारा मूविंग क्वाइल है वो कॉल कैज करंट दैट इज द प्रोपोर्शनल वायर द मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस वी टू द दॉस द वोल्टेज तो जो हमारा वोल्टेज द लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये यह जो हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ इसके अक्रॉस हम क्या करते हैं वोल्टेज के अक्रॉस होता है इसलिए हम इसे कहते हैं वोल्टेज कॉयल वी प्लीज़ ध्यान से समझिएगा या आगे भी यूज आएगा तो वी कैन से द इट कैन सोन दैट द टॉक प्रोड्यूस इन द डायनोमीटर डायनोमीटर टाइप ऑफ वाट मीटर इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द फिक्स कॉयल टाइम्स दट थ्रू द मूविंग कॉयल बट बोथ कॉयल्स आर करंट दैट इज द प्रोपोशनल वायल मल्टीपाइल स्टार तो हमारी जो एक ये जो हमारा मूविंग कॉयल है उससे हम वोल्टेज कोयल भी कहते हैं और जो फिक्स कॉयल है हमारी वो करंट कॉयल के नाम से भी जानी जाती है जनरली आप सी सी और वी सी रखे हैं क्योंकि ये टॉक प्रोड्यूस करता है तो इसलिए कभी समटाइम भी नो हो जाए पावर कॉयल ऑल्सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी कैन आपने देखा कनेक्शन ऑफ डायनोमीटर वाट मीटर तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं ए और सी के बीच में कनेक्शन करते हैं फिर तो यहाँ पे हमारा क्या होता है वी कैन प्रोड्यूस द सरप्लस करंट तो यहाँ पे क्या होती है हमारी सरप्लस करंट प्रोड्यूस होती है उससे एरर आती है जब हम बी और सी में कनेक्ट होते हैं तो जो एरर हमारी सरप्लस एरर ए और सी के समय हो रही है इसको तो हम रिड्यूस कर देते हैं लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप जो हो जाता है वो सरप्लस हो जाता है इस तरह से हमारे दोनों सर्किट काम करते हैं डायनोमीटर के दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट अब डीसी मीटर में तो क्योंकि उतनी प्रॉब्लम नहीं है वी हैव अ डीसी सिंगल कई बार डिस्कस करते हैं शायद तो आपको दैट इज़ योर डीसी एंड दैट इज़ योर एसी। ये हमारी सप्लाई है तो देखने में ही अलग लग रहा है कि वी हैव अ डायरेक्ट करेंट वी हैव अल्टरनेटिंग करंट तो जिस तरह से हमारा क्या होता है कि प्रॉब्लम किस में होती है अल्टरनेटिंग करंट में तो हम हम बात करने जा रहे हैं कि हम पावर सर्किट में किसी भी सर्किट में पावर बेजरिंग करेंगे वो सर्किट में सप्लाई कैसी है वो ए है तो जनरली ऐसी सप्लाई आप पता है सिम्पल बना दिया है कि वी हैव अ फेस डिफरेंस भी होता है तो मैं मेन कहना चाह रही हूँ यहाँ पे यही है कि वी कैन कंसीडर द अल्टरनेटिंग करेंट में हमारा इंस्टेंट पावर वेरीज डीसी में फिक्स रहती है पूरे लाइन में आपकी पावर फिक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक लेकिन यहाँ पर हमारा फ्लक्चुएट करती है और चेंज होती रहती है तो ये हमारा जो इंस्टेंट पावर वेरीज कॉन् कॉन्टीन्यूसली तो वोल्टेज एंड करंट वेरी विद गोइंग थ्रू द अब एक साइकिल पूरी कंप्लीट होती है ये पूरी एक साइकिल होती है ये पूरी जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो हमारा क्या होता है देर इज़ द कुछ ना कुछ वोल्टेज और करंट वैरी करते फिक्स नहीं रहती डीसी में फिक्स रहती है इन सच केसेज द पावर एट द इंस्टेंट गिवन बाई पावर वोल्टेज एंड करेंट तो इसको हम जब यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम में मेजर कर रहे हैं दिस दिस लाइन इज योर हमारी वोल्टेज है दिस इज पावर है और जो सबसे स्मॉलेस्ट है और ये हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में और दैट इज ए वोल्टेज के रिस्पेक्ट में तो so, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तीन वेव फॉर्म और इंस्टेंटेनियस पावर वोल्टेज एंड करंट इन द एसी सी सर्किट ए सर्किट का ही साइग्राम है तो so, यहाँ पे देख रहे वी वीरिजिन द थ्री वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म हैव जीरो एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल ठीक है द इंस्टेनियस पावर हैज ऑफसेट ऑफ जीरो हैविंग नॉन जीरो एवरेज वैल्यू मोस्ट ऑफ द ए पावर मेजरमेंट रिलेटेड फ्रिक्वेंसी बिलो फोर्टी द कैरिडोर द डायनोमीटर टाइप मीटर तो ये एक लिमिट भी लगी हुई है कि इससे नीचे जो हमारे होते हैं कैरिडोर वही हम डायनोमीटर से यूज़ करते हैं ये एक सिंपल सा ए सी आपका ऐसी साइकिल दिखाई हमने जिसमें हम क्या कर रहे हैं वोल्टेज और करंट रहती है पी सी करंटो तो हमारा वी टी एक्स आई टी टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं इसलिए टी लगाया है और कोई इसका मतलब नहीं है वी आर मेजरिंग रिस्पेक्ट द टाइम तो ये जो हमारा जो हमने इधर बनाई है वही चीज़ है तो इस तरह से हमारा ये मेजरमेंट होता है ए सी मेज़र करते हैं अब इस ए सी में पावर हमें निकालनी है उसके लिए हमारे पास जो होता है जैसे हमने कहा इलेक्ट्रो डोटाइप भी यूज़ करते हैं इंडक्शन टाइप भी यूज़ करते हैं डीसी के लिए सिर्फ इलेक्ट्रो डनोमीटर वाट मीटर ही यूज़ होंगे तो ये हमारा थोड़ा सा उसका कंस्ट्रक्शन है जो हम यूज़ करते हैं जिसके पहले दिखाया था आपको वो सिंपल था यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हमारा लोड है वी हैव विद अ फिक्स फाइल वहाँ भी दो फिक्स फाइल थी सप्लाई वोल्टेज है मूविंग फायल है सीरीज रजिस्टेंस है इसकी स्केल हमारी क्या होती है यूनिफॉर्म होती है किसकी डायनोमीटर की तो यहाँ पे हम जो ये जो चीज़ उधर बनाई थी वही चीज़ यहाँ पे बनाई है पर यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बताएंगे कि वी हैव वर्किंग प्रिंसिपल्स का क्या होता है देर आर टू टाइप ऑफ कॉयल्स फिक्स कॉयल्स एंड मूविंग कॉयल्स इसको हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें और भी ग्रेविटी वी आर यूजिंग फॉर कंट्रोल सिस्टम भाई ये पॉइंटर हमारा लगा हुआ है तो कैसे कंट्रोल करेंगे तो उसके लिए वी हैव अ टू कंट्रोलिंग ग्रेविटी कंट्रोल एंड स्प्रिंग कंट्रोल जनरली वी आर मेजर था यहाँ पर अभी हम ग्रेविटी कंट्रोल को भूल जाते हैं स्प्रिंग कंट्रोल से हम इसको डिफ्लैक्शन को मेजर करते हैं इस पॉइंटर को मेजर करते हैं डैम्पिंग सिस्टम भी है इसके अंदर होता है क्योंकि वी प्रोड्यूस दैट टॉक तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं तो डैम्पिंग को बैलेंस करते हैं वह डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं और स्केल हमारी जो पॉइंटर है आप देख रहे हैं दैट इज़ योर स्केल कैलिब्रेटेड होती है इनडायरेक्टली इन द वॉट फॉर्म वॉट में होती है और ये हमारी क्या होती है यूनिफॉर्म होती है तो इस तरह से ये ये हमारे पार्ट्स हो गए डायनोमीटर टाइप वॉड मीटर के कैसे काम करता है कंट्रोलिंग टॉक क्योंकि जब डैम्पिंग टॉक भी है तो कंट्रोलिंग टॉक भी आएगा तभी हम जब तक बैलेंस नहीं होगा तो हमारा जो पॉइंटर है वो फ्लक्चुएट करता रहेगा तो वहाँ पे वी कैन कंसीडर द कंट्रोलिंग टॉक एंड द डिफ्लेक्टिंग टॉक को हम कैसे कंट्रोल करते हैं ये हमारी करंट कोयल है ये हमारी प्रेशर कोयल है या यू कैन से सी सी यू कैन से पी सी और बी सी सब एक ही चीज़ है ये वही वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये लोड है और ये सप्लाई जो उसके पहले बनाया था वही डायग्राम है यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं वो कैसे हम कंट्रोलिंग टॉक और डिफ्लेक्टिंग टॉक को कंट्रोल करते हैं द टाइम ऑफ द डैम्पिंग ठीक है तो हमने क्या किया आई वन आई टू भी एस एटेनियस वैलू ऑफ द करेंट ये हमारी आई वन है ये आई टू है सो एक्सप्रेशन so, हम उतना नहीं बताएंगे तो वी कैन कंसिडर द प्रेशर का वी इज ईकल क्योंकि साइन है हम क्या कंसिडर करें ए सी प्लीज़ ध्यान दीजिएगा ए सी के लिए बता रहे हैं डायनोमीटर का हमने जब तो पहले डिस्कस किया था वो डी सी के लिए गया था ए सी और डी सी में हमारा बहुत फर्क आ जाता है वी कैन कम वहाँ पर सिंगल लाइन चलती है यहाँ पे भी आया हुआ कंप्लीट हार्मोनिक साइकिल तो वी आर कंसीडर एज अ वी इज इकल टू अंडर टू वी साइन ओमेगा टीम तो जो हम रेजिस्टेंस प्रेशर कुकर को करेंगे तो यहाँ पे आई टू पर वैल्यू हमारी आती है अंडर टू इंटू विन टू इंटू आर पी ठीक है इस तरह से हमारा इफ फेज डिफरेंस क्योंकि ये ए सी है ए सी मीटर हम मेजर कर रहे हैं तो वी हैव अ फेज डिफरेंस अभी आगे हम फेजर डायग्राम भी डिस्कस करेंगे तो वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट देन एक्सप्रेशन फुल बी आई टू इज इकल टू अंडर टू आई साइन ओमेगा दिस इज योर फेज डिफरेंस तो यहाँ पे हम जब वैल्यू निकालते हो तो हमारी ये वैल्यू आती है उसके बाद हम एवरेज वालू निकालते हैं तो हमारा एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं वी आर यूजिंग द इंस्टेंटेनियस टॉक्स फ्रॉम द लिमिट जीरो टू टी जो भी हमारी है तो वी है द डिफ्लेक्टिंग टॉक इज इक्वल टू वी आई बी आर पी कॉस फाई इन डी एम बाई डी डी तो जो हमारा कंट्रोलिंग टॉक है वो के केक्स वेयर द केक्स द स्प्रिंग ठीक है वी आर यूजिंग कंट्रोल करते हैं अगर इसका पहले वाला डायग्राम दिखाएंगे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देखिए तो दिस 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 मूविंग हम इसकी बात कर रहे हैं ये यह यहाँ पे जो हमारा पॉइंटर है और यहीं पे हमारी डैम्पिंग कंट्रोलिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल टॉक एंड डैम्पिंग टॉक तो इस तरह से हमारा ये मेजर करता है तो वी कैन बैलेंस हमारा जो कंट्रोलिंग टॉक होता है damp, उसको बैलेंस करते हैं तो हमारे क्या हो जाता है पॉइंटर जो वो फिक्स हो जाता है उसके लिए इसके पहले भी हमने जो आपका मूविंग कार्ट भी था उसमें भी बताया था सेम वैसे ही है टॉक का कंट्रोल यहाँ पे बट दे आर यूजिंग सम वी आर यूजिंग सम देयर इज द मैग्नेट पार्ट दे आर वी आर यूजिंग द कोयल इसमें भी जनरेशन हो रहा है बट इधर दो टू फिक्स कैन एंड वन मूविंग कॉयल वहाँ पे हमारा याद करिए पीएमसी में हमने मैग्नेट कॉयल लिया था तो वही चीज़ यहाँ पे भी वी कैन कंट्रोल दैट क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर आएगा इसके अलावा उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे उसमें हमें वो कंट्रोलिंग टॉक को बहुत ज़्यादा है जो कि हम कंसिड्रेशन करते हैं एट द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन अब अगेन कि बहुत भाई मेजरमेंट है आपका तो बहुत से प्रॉब्लम्स उसमें आनी आनी है पावर मेजरमेंट है इलेक्ट्रॉ ए सी मेजरमेंट है विद एसी वाटर मीटर हम मेजर कर रहे हैं डायलोमीटर के थ्रू हम ए सी पावर मेजर कर रहे हैं तो एरर्स इन द प्रेशर कोअल इंडक्टर इसको बताने से पहले एक चीज़ ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे जितने भी उसमें पॉइंट लगे हुए हैं इसको हम विद द हेल्प ऑफ द रिड्यूसिंग हम इसके लिए सर्किट बना के या कंपनसेशन करके हम इन एरर्स को कम करते हैं एलिमिनेट नहीं करते हैं वी कैन रिड्यूस तो इतने सारे हैं तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे भी आई एम डिस्कसिंग जस्ट ओनली द क्या क्या एरर आ सकती हैं बट वी हैव ऑप्शन वी कैन रिड्यूस दैट एरर्स और यू कैन से मिनिमाइज दैट एरर्स तो फर्स्ट एरर हमारी क्या है एर इन द प्रेशर कोयल इंडक्टेंस प्रेशर कोयल कैपेसिटेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस मे बी कनेक्शन प्रेशर कोयल इज कनेक्टेड आफ्टर द करेंट कोयल तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन की भी प्रॉब्लम आ जाती है भाई हम कनेक्शन ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कोयल इज़ कनेक्टेड आफ्टर करेंट कोयल पहले नहीं लगाते हैं आफ्टर लेकिन कभी गलती से अगर लग गया तो वो एयर आएगी एयर ड्यू टू एडी करंट क्योंकि आपका यहाँ एडी करंट भी आएगी करेंट अकॉज वाइब्रेशन ऑफ मूविंग सिस्टम आपका हमारा पॉइंटर वो भी करता है तो उसकी वजह से हमारा क्या है मूविंग सिस्टम उसकी वजह से हमारी वाइब्रेशन की वजह से आती है टेम्परेचर हम जब डी सी वर्ल्ड मीटर मेजर कर रहे थे अब देखें वी आर यूजिंग थर्मोकपल कपड़ ऑल्सो और जब कंटिन्यू हमारा मेजरमेंट हो रहा है करंट भी है वर्ल्ड तो हीटिंग आएगी तो उसकी वजह से हमारी टेम्परेचर एरर भी आती है फिर एयर ड्यू टू स्टे मैग्नेटिक फील्ड जो स्टे मैग्नेटिक फील्ड हमारी डेवलप होती है इन फिक्स कॉयल और मूविंग uh, कोयल के बीच में उसकी वजह से भी हमारी इसमें ये एरर्स आ जाती है अगेन आम सेग कि एरर्स को हम कंपनसेट कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं विद द डिफरेंट मैथड्स वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर करें आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द क्या क्या एरर्स हमारे डायनोमीटर टाइप वोल्ट मीटर वाट मीटर में आती हैं तो ये हमारा है नेक्स्ट है इंडक्शन टाइप वाट मीटर जो ये जो हमारा इंडक्शन टाइप वाटमीटर है ये सिर्फ और सिर्फ ए पावर मेजरमेंट के लिए होता है डायनोमीटर अगेन रिपीटिंग डायनोमीटर इज यूज फॉर बोथ ए एंड डी लेकिन कहीं पे हमें खाली एसी पावर मेजरमेंट करना है तो हमें आँख बंद करके इंडक्शन टाइप वाटमीटर ही यूज करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एसी पावर बार बार डिस्कस कर चुके हैं वेयर वी फ्रिक्वेंसी एंड सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट कंडीशन भी है एप्लीकेशन वहाँ पर ये कंडीशन नहीं थी कि आपकी ए के लिए जब भी मेजर करें तो वहाँ वहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ए है तो कुछ डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट में भी डिफरेंस लेकिन यहाँ पे हम कंडीशन रखते हैं कि जब हमारी फ्रिक्वेंसी सप्लाई क्या है वो कांस्टेंट रहेगी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर तो ये हमारा जब कॉन्स्टेंट होगा तभी हम क्या करते हैं रिमेन हमारे हर और पैरामीटर्स हैं वो भी हमारे कॉन्स्टेंट होंगे तो करंट कॉयल प्रेशर कॉयल्स आर मेसरीज सच इंस्ट्रूमेंट इट इज़ नॉट असेंशियल टू यूज शेडेड पोल प्रिंसिपल्स यहाँ पर नहीं लेते हैं प्रोड्यूसिंग और डिफ्लेक्टिंग ट्रॉक वहाँ भी डिस्कस किया था टू फ्लैक्स के एसेंशियल विद द सुटेबल फेस एंगल एट द वुड बी अवेलेबल फ्रॉम द दिस टू फाइल फेस एंगल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ ए में मेजर करता है यहाँ पर हम फेजर का भी वहाँ पर मैंने फेजर डायरे डिस्कस नहीं किया था वहाँ पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन बताया था यहाँ पर हमारा ये है कि हम अब इसमें होता क्या क्या है पहले तो बेसिक समझ लीजिए बॉड मीटर है नीचे जो बनाया हुआ है थोड़ा कंपेरिजन में बीच बीच में बताते रहेंगे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर यह शंट वोल्टेज मैग्नेट है सप्लाई वहाँ पे भी थी यहाँ पे भी थी वहाँ पे वी हैव अ पॉइंटर डायरेक्ट जो हमारा स्प्रिंग से कंट्रोल था वी हैव अ ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास एलमोनियम डिस्क है और यहाँ पे सीरीज मैग्नेट है जो नीचे लगा हुआ है और जो हमारा शंट मैग्नेट है वो ऊपर लगा हुआ है ये कॉपर शेड रिंग्स है और ये हमारा लोड है इतना ही हमारा इसमें होता है इस तरह से हम इसको इंडक्शन सिंपल कंस्ट्रक्शन सिंपल है कंस्ट्रक्शन डायरोटर का भी सिंपल था वहाँ पर भी हमने क्या लिया था कि वी हैव यूजिंग टू फिक्स स्क्वायर वन मूविंग क्वाल यहाँ पे हम क्या कंसिड्रेशन कर रहे हैं हमारे पास दो शंट वोल्टेज मैग्नेट हैं शंट वो मैगनेट और दो हमारे एक सीरीज हमारा दो साइड में सीरीज शंट ऊपर है सीरीज हमारा नीचे है तो ये जो हम और इसमें साथ में एक अभी बना नहीं में आगे दिखाएंगे वी आर यूजिंग हम ये हमारे परमानेंट मैग्नेट होते हैं एक हम साथ में इसको डिस्क के साथ में एक परमानेंट मैग्नेट भी लगाते हैं उसके मूवमेंट के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए ये आगे हम डिस्कस करेंगे वर्किंग डिस्कस कर रहे थे जैसे हमने कहा कि वी आर यूजिंग द ए सी ओनली ए में यूज़ करते हैं तो वी आर हैव अ फेजर डायग्राम यहाँ पे हमने देखिए वैक्टर डायग्राम और यू कैन सेल द फेजर डायग्राम तो सर्किट मेजर एसी पावर द शंट मैग्नेट कैरीज करंट प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज एंड द सीरीज़ मैग्नेट फंक्शन ऑलमोस्ट ऐसे ही है जैसे आपने डायनमोटर में किया था बस यहाँ पे वी आर यूजिंग फिक्स कॉयल एंड मूविंग हियर वी आर यूजिंग द शंट मैगनेट एंड सीरीज मैगनेट एलमिनियम डेस्क कॉपरलीफ कंस्ट्रक्शन डिफरेंस है तो मैनेजमेंट करते हैं तो करंट द एलमोनियम डिस्क तो जो इंड्यूज एडी करेंट्स है उसकी वजह से हमारी क्या होती है इसमें द इंट्रैक्शन बिटवीन द फ्लक्सेज एंड एडी करेंट्स प्रोड्यूस द डिफ्लैक्टिंग टॉक टू द डिस्क कॉजिंग द पॉइंटर कनेक्टेड टू द मूविंग द सिस्टम मूव द स्केल ओवर द स्केल इसमें भी आपके पास पॉइंटर लगा हुआ है सिस्टम मूव करता है किसके यहाँ पे स्केल आपकी लीनियर uh, नहीं होती है हो भी सकती नहीं भी हो सकती है बट हेयर वी कैन अगेन रिपीटिंग करंट प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज एंड द सीरीज़ मैग्नेट कैरीज द लोड करंट जैसे हमने क्या किया था वहाँ पे लोड करंट पे हमारा क्या था मूविंग खिला तो एल फ्लक्सेज प्रोड्यूस द मैगनेट इंड्यूस एडिक्रंट इन द एलमोनियम डिस्क द इंट्रैक्शन बिटवीन द फ्लक्सेज एंड एडी एडिक्रंट जो हमारे मैगनेट्स के जो फ्लक्स हो रहा है और जो एडिक्रंट उस जब उसमें आपस में जब वो मिक्स होते हैं तो हमारा क्या होता है जो सिस्टम डिस्क है वो क्या करती है वहाँ पे पर डिफ्लेक्टिंग टॉक प्रोड्यूस होता है और वो डिस्क मूव करती है ठीक है अब इसके यहाँ पर देख, देख रहे हैं अप्लाइड वोल्टेज आई सी इज इक्वल टू लोड करंट करिएट बाय दीज मैगनेट आई वी करंट करियड बाय द शंट मैग्नेट ये हमने अलग ली हुई ये आई सी है ये हमारा आई वी है ये शंट मैग्नेट के है ये हमारा करंट के थ्रू है फिर जो कॉ कॉस है लेगिंग पावर फैक्टर ऑफ द लोड हमारा लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ द लोड क्या दैट इज़ योर लोगिंग पावर फिर यहाँ पे क्या आई वी इज द शंट मैग्नेट लैग द अप्लाइड वोल्टेज बी बाई द नाइन्टी डिग्री ऑफ डल बाई द ए वी तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा क्या है दैट इज योर नाइन उसके परपर्टिकुलर आता है ये छोटा सा आगे भी बताते हैं अभी आपको ये किसको डिस्कस कर रहे हैं फेज डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं बैक्ट डायग्राम सीरीज मैगनेट लोड करंट एंड द देंस लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज ए डेस्ट द फ्लक्स ए सी प्रोड्यूस बाई द करंट इज आई सी इज द सेम फीज विद द देयर फोर द टू करेंट्स इन द इच ए सी एंड कॉल एंड ए आई वी इसके पहले दिखाएंगे आई सी एंड दिस मैं इसकी बात कर रही हूँ वैक्टर भी बना हुआ है थोड़ा सा इसमें समझने में वो लगेगा क्योंकि अलग अलग हो जा रहा है एंड ऑल्सो करस्पॉन्डिंग फ्लक्सेज ए वी एंड ए सी एंड नाइन्टी माइनस ए डैस अ पार्ट तो फ्लक्स हम करते क्या है वी कैन कंसिडर यहाँ भी वही कर रहे हैं वी कैन ये सब इतना बता क्यों रहे हैं आपको अगर एक लाइन में बात करेंगे तो हम वही चाहते हैं कि जो हमारा डिफ्लैक्टिंग टॉर्क है और जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो हमारा बराबर हो जिससे कि हमारी स्केल जो है वो यूनिफॉर्म मूव कर सके इसके पहले भी हमने यही डिस्कस किया देखिए फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है प्रिंसिपल अलग है कंस्ट्रक्शन अलग है लास्ट में घूम फिर के हम वहीं पे आ रहे हैं कि वी कैन जब हमारा ये चीज़ सही होगी देन वी यूज़ दिस वन इसीलिए हम पूरा जो हमारा टॉक सिस्टम होता है वो बहुत ज़रूरी है बैलेंस करना किसको टी डी एंड टी सी ये हमारा था इंडक्शन टाइप थोड़ा जल्दी बता रहे हैं क्योंकि ये अगर अगर आप इंडिविजुअल करेंगे तो देट टेक टाइम तो यहाँ पे उसकी जो डिसएडवांटेज उसमें एरर्स ज़्यादा रहती हैं इसमें आप देखेंगे वॉड मीडियर प्रोड्यूसर यूनिफॉर्म स्किल रबर्स कंस्ट्रक्शन है आपने वहाँ पर आपका था फिक्स कोयल है मूविंग कोईल है अगर मूविंग कॉल में कुछ दोनों कहीं ओवरलैपिंग हो जाती है तो यहाँ पे आपका सिंपल कंस्ट्रक्शन है वी हैव टेम्प्रेरी मैग्नेट वी हैव अ शंट मैग्नेट एंड वी हैव अ सीरीज मैग्नेट उसके बीच में हमने एक एलमुनियम डिस्क लगा दी है एलमुनियम डिस्क के साथ हमारा एक परमानेंट मैगनेट भी लगा होता है सर्किट पर नहीं दिखाया है, उसका बॉज बॉल वो कंट्रोल करता है डिस्क के मूवमेंट को ठीक है तो वो हमारा वॉटमीटर है इंडक्शन uh, टाइप है तो बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है ओनली एसी में यूज़ करेंगे पावर ज़्यादा लेता है लो एक्यूरेसी बिकॉज ऑफ द हैवी मूविंग सिस्टम जो हमारे मैग्नेट है वो बड़े होते हैं इन बैठते हैं मूविंग कॉल छोटी सी लगाते हैं टेम्परेचर वेरिएशन कैन कॉज मेजर एस ये सभी में रहता है क्योंकि जब हमारी करंट कोल हम यूज़ करते हैं उसको एज अ so जो हमारे सेंट है उसको करंट कॉल और जो हमारा सीरीज है उसको तो हमारा वहाँ पर क्या होता है वी हैव अ जब भी करंट की बात आएगी तो वो हमारी टेम्परेचर तो होगा वो प्रॉब्लम करता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भी हम मेजर करते हैं आपने जल्दी सुना होगा थ्री फेस वाट मीटर टू फेस आ, बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे तो बस कंस्ट्रक्शन से समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया तीन वाट मीटर लगाएँ तो हमारा क्या हो गया थ्री फेज भाई देखिए हमारी ये फे फेज़ वन फेज़ टू फेज थ्री फोर वायर सिस्टम है इसमें थ्री वायर भी सिस्टम आता है तो हम जो अलग अलग है पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री इसका हम जो मेजरमेंट करते हैं तो ये हमारा होता है थ्री फेज पावर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ थ्री वाट मीटर ऐसे ही हमारा होता है टू वाट मीटर जिस नीचे देखेंगे आप इसमें हम मेजर कर रहे हैं वी आर यू ये यू कैन से ये हमने वन आर आर वाई बी बी आप ऐसे लिख लिखते हैं वन टू थ्री लिखा हुआ है ये थ्री फेज है हमारे थ्री फेज में हम कैसे मेजर करते हैं वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ थ्री वाट मीटर मैथड टू वाट मीटर मैथड एंड सिंगल वाट मीटर मैथड तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है ये हमारी करंट कोयल है ये हमारे ये स्टार कनेक्शन है तो इस डेल्टा पे आप ये है और ये एक पैरेलल में होती है इसी वजह से वहाँ पर उसी तरह करें लेकिन यहाँ बस कंसीडरेशन क्या है जब हम मेज़र करते हैं तो हम दो वाट मीटर लगाते हैं तो दोनों वाट पी वन इजिकल टू पी वन पी टू इसकी वैल्यू रख देते हैं जो हमारी टोटल पावर आती है वही आ जाती है इस तरह से हम तीनों फेस पे V1, V2 वी टू एंड वी थ्री अब देख रहे हैं ना ये ये हमारा स्टार है तो यहाँ पे हम पावर मेजर करते हैं डेल्टा का कनेक्शन है टू वाट मीटर विद द हेल्प ऑफ डेल्टा थोड़ा तो सा कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस आ रहा है जो आपकी करंट है करंट कोयल है ये हमारी प्रेशर कोयल है जो कनेक्टेड है यहाँ पे इसमें भी वही करते हैं पावर को ऐड करते हैं और मेजर करते हैं थ्री फेज पावर विद एक सिंगल वाट मीटर सिंगल वाड मीटर से भी हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पावर एक वाड मीटर यूज़ करके हम थ्री फेज़ में यूज़ करते फेज़ हमारे पास तीन ही है लेकिन हम मेजरमेंट कर रहे हैं अभी कहेंगे कहाँ पे इसकी जरूरत जरूरत पड़ती है हमारे इंडस्ट्रियल उसमें देखिए घर में जनरली जो हम करते हैं जैसे इंडस्ट्रियल टाइप बताया है वो सिंगल फेज़ के लिए बताया आपको यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसी में थ्री फेज़ इंडस्ट्री में भी प्रेफर दैट थ्री फेज़ आप जनरली जो घर में देखते हो आपका सिंगल फेज इंडक् वाट मीटर होता है यहाँ पे हम वी आर यूजिंग तो थ्री फेज इंडस्ट्री में ज़्यादा थ्री फेज तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं कि बस कंसीडरेशन क्या हो गया ये कंसीडर सा सिंगल वाट मीटर तो ये हम से एक स्विच लगाते हैं तो ये अलग अलग उस पर आर वाई बी हमने वन टू थ्री लिखा हुआ है तो आप जो कनेक्शन होते हैं आर वाई बी थ्री फेज में वो हम लेते हैं फिर इस तरह तो से जब ये स्टार का ही बता रहे हैं तो वी वन वी टू वी थ्री तो यहाँ पे क्योंकि सिंगल फेज है भाई पी वन इजिकल टू वी वन टू आई वन कास थर्टी माइनस भाई एंगल भी आएगा P इजिकल टू अंड्रोड थ्री इन टू वी वाई कास थर्टी माइनस फाइव इस तरह से हमारा जब एक स्विच वन और थ्री वन इसको जब हम कनेक्ट करते हैं तब तो हमारी ये वैल्यू आती है और जब हम वन और टू को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास अंड्रोड थ्री वी ए का थ्री का एक में प्लस आएगा एक में माइनस है प्लीज ध्यान तो टोटल तो पावर क्या हो जाएगी पी वन प्लस पी टू थ्री वी कॉस फाइव इस तरह से हम एक वॉट मीटर से पावर मेजरमेंट करते हैं थ्री फेज uh, क्या डिस्कस किया देखिए पहले कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया है फिर हमने ए सी मीटर डिस्कस किया है ए सी मीटर में हमारे पास थ्री फेज भी आते हैं तो थ्री फेज मेजरमेंट करने के लिए वी हैवे थ्री टाइप ऑफ मैथड थ्री वाट मीटर टाइप थ्री वायर एंड फोर वायर हमने जो यहाँ डिस्कस किया है फोर वायर है थ्री वायर भी होता है फिर हमारा होता है आपका टू वाट मीटर मैथड थ्री फेज के लिए जिसमें हमने डिस्कस किया है आपका स्टार और डेल्टा फिर हमने डिस्कस किया है आपका सिंगल वाट मीटर उसके थ्रू हम कैसे मेजर करते हैं आ, पावर को सिर्फ कॉम्बिनेशन से है वाट मीटर के कंस्ट्रक्शन वैसे ही रहता है और इंडक्शन टाइप ही रहता है क्योंकि वी आर बेजिंग इन द ए तो ये आज हमने ये एक बहुत ही शॉर्ट में वाट मीटर क्या होता है कंस्ट्रक्शन क्या होता है आ, कितने तरह के होते हैं ये हमने डिस्कस किया है बट ये हमारा क्या है इन डोमेस्टिक के लिए भी यूज़ होता है और हमारे इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है कॉमर्शियल यूज़ भी होता है ये वाट मीटर तो ये शायद किसी ने देखा भी हो वाट मीटर लेकिन इनकम दिस यू कैन से द दो अभी डिस्कस कर रहे हैं इंस्ट्रोमेंट हम वो आपने यूज़ किए हैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट यूज़ किया है बस एक चीज़ याद रखनी है वाट मीटर मेज़र द पावर ऑफ द सर्किट प्लीज़ सर्किट का पावर मेज़र करता है तो नेक्स्ट उसमें भी डिस्कस करेंगे तो आगे फिर कंपैरिजन भी बताएंगे आपको दैट इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इंस्ट्रूमेंट में थैंक यू